जनता पार्टी के एमएलसी अरविंद कुमार शर्मा ने आजमगढ़ जिले का दौरा किया है। इस बैठक में कमिश्नर विजय विश्वास पंत भी मौजूद रहे हैं, जिलाधिकारी राजेश कुमार भी थे, एसपी सुधीर सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। कोविड कंट्रोल को लेकर एमएलसी अरविंद कुमार शर्मा ने बैठक की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी अरविंद कुमार शर्मा ने इस दौरान भारत समाचार से खास बातचीत की है। इस बातचीत में उन्होंने क्या कहा है वो आपको सुनना चाहिए। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर के जहां आम जनमानस का जीवन काफ़ी उथल पुथल में मचा हुआ है, वहीं सरकारी मशीनरी लगातार यह प्रयास कर रही है कि लोगों का जनजीवन सामान्य हो। और हमारे साथ मौजूद हैं पीएम मोदी के करीबी रहे विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार शर्मा जी, जो पिछले एक महीने से लगातार वाराणसी में कैंप करके इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कैसे कोविड कंट्रोल होगा। हम इसे पूछेंगे कि अब तक के क्या प्रयास हैं और क्या उम्मीद की जा रही है कोरोना को लेकर। वाराणसी में परिस्थिति काफ़ी हद तक नियंत्रण में है। मैं वाराणसी में काम करते हुए मऊ मंडल, आजमगढ़ मंडल के जिलों से भी संपर्क में था और माननीय कमिश्नर श्री विजय पंत साहब से, यहाँ के डीएम से, आजमगढ़ के डीएम, मऊ के डीएम, बलिया के डीएम से मैं लगातार संपर्क बनाए हुए था और जो मेरे से मदद हो सकती थी वो मैं करता रहा हूँ। लेकिन आज मुझे लगा कि प्रत्यक्ष चल करके अपने उन जिलों को जरा देखा जाए क्या स्थितियाँ हैं, तो मैं सुबह मऊ आया और मऊ में भी जिलाधिकारी, एसपी और सीएमओ से बात हुई। हॉस्पिटल की भी, जिला अस्पताल की भी मैंने मुलाकात लिया। वहाँ जो कुछ करने जैसा है और जो हो रहा है बहुत अच्छा काम हो रहा है। सभी अधिकारी बड़े उत्साह से, बड़े कमिटमेंट से लगे हुए हैं। वहाँ भी देखा और वहाँ बातचीत हुई, कुछ जो करने जैसा काम है वो किया जाएगा। उसी प्रकार अभी थोड़ी देर पहले मैं आजमगढ़ आया। वैसे मैं ये भी कह दूं कि यहाँ के मंडल कमिश्नर से मैं हमेशा लगातार संपर्क में रहता हूँ और रात दिन हमारी बात होती रहती है, डीएम साहब से भी बात होती रहती है, तो कोई नई बात नहीं थी। लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष आने में और ख़ास करके जनप्रतिनिधियों से मिल करके उनकी क्या जानकारियाँ हैं और उन जानकारियों को प्रशासन के साथ साझा करवाने का काम मैंने सोचा था, वो हुआ भी है। उसके मद्देनज़र कुछ चीज़ें जो हम लोगों से बाहर से अपेक्षित हैं वो किया जाएगा। दवा का या ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है पिछले दिनों में बहुत बढ़ी है, लेकिन फिर भी उसको और भी बढ़ाने की शायद आवश्यकता है, तो बढ़ाई जाएगी। और जहाँ तक अधिकारियों के मनोबल का सवाल है, आत्मविश्वास का सवाल है, बहुत बढ़ा है और इन्होंने बहुत अच्छे से संयोजन करके, बहुत अच्छे से संगठन करके सब अच्छा आयोजन किया है। मैं उनको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। अपने तरफ से जो चीज़ें करने जैसी हैं वो की जाएंगी आने वाले दिनों में। अभी आपने देखा हमने दवाओं के कुछ किट प्रशासन को भी दिए, भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं को भी दिए और बलिया जिले के भी लिए भी कुछ किट रखी गई। उसी तरह से मऊ में भी दे करके आया हूँ। मेरा आग्रह है कि इस तरह की जो दवा की किट है वो 100-125 रुपये की एक किट बनती है, लेकिन सामान्य आदमी उसे समझ नहीं पाता, तो उसको सुलभ हो जाए अगर स्थानिक रूप से या तो प्रशासन या पार्टी पहुंचा दे उसको, तो उसे लेने में कोई परहेज नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती। वो लेकर के तुरंत वो प्राथमिक दिनों में, पहले दिनों में लक्षण जब मिलते हैं उसी समय अगर हम उसका उपचार कर लें तो काफ़ी हद तक समस्या कंट्रोल में आ जा रही है, बिगड़ने न दें केस को। तो उस आशय से ये किट बनवाई गई है। आने वाले दिनों में कुछ 1000 किट हम भिजवा रहे हैं और उसका मऊ, बलिया, आजमगढ़ सभी ज़िलों में सदुपयोग होगा। इस तरह की किट बनवाई गई है और आने वाले दिनों में ये कई हज़ार किट जो है डीएम साहब को यहाँ मिलेगी और मुझे आशा है कि उसका वितरण होगा। और सर, आपके तमाम विशेषज्ञों से भी बातचीत होती होगी, क्या लग रहा है कोरोना अभी पीक पर चल रहा है, कब तक कुछ उम्मीद? देखिए, ये तो मेडिकल के फील्ड के ही लोग बता पाएंगे, हमें इस विषय में कहने का कोई अधिकार नहीं है। हम इतना जरूर कहेंगे कि हम आशा रखते हैं कि ना आवे कोई दूसरी, तीसरी वेव की जो बात हो रही ना आवे, लेकिन आती है तो मैं इतना जरूर कहूँगा कि हम इस बार शायद बेहतर तैयार हैं। पिछले समय की अपेक्षा हम इस बार, चैलेंज ऐसा आया कि सब लोग उसमें अपनी तैयारियां हमने पीक पे पहुंचाई हैं, तो शायद हम उसको, उससे निपटने में हमारे लिए आसानी होगी।
तो अरविंद शर्मा जी का साफ कहना है कि तीसरी वेव ना, इसकी हम उम्मीद करते हैं और अगर आएगी तो हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। कैमरामैन फहद के साथ सुधीर सिंह, भारत समाचार, आजमगढ़। तो ऐसे